जब मैं तीर्थंकर भगवान महावीर नाम की किताब लिख रहा था, भगवान महावीर को 2500वें निर्वाण वर्ष में कितने वर्ष हो गए, 40-45 वर्ष हो गए होंगे ना, जब इतनी पुरानी बात है, सही घटना। तो जब ये प्रकरण आया कि उस शेर को मुनिराज समझा रहे हैं, तो मैंने कहा क्या लिखें कि मुनिराज समझा रहे वो शेर को समझा रहे, कौन सी भाषा में लिखें समझा रहे होंगे और क्या बात कही होगी, बहुत सरल सरल बातें बताई होंगी कि बेटा छना पानी मत बोलना, रात्रि भोजन नहीं करना, ये भी बहुत ज़रूरी है, अच्छी बातें हैं, लेकिन ये समझाई होंगी मुनिराजों ने, और ये समझ कर उसे सम्मा दर्शन हुआ होगा। मैंने सब शास्त्र उठाकर देखे, मेरी आदत है जब मैं कोई किताब लिखता हूँ तो वहाँ से संबंधित जितना भी कहीं भी होता है तो वे सब शास्त्र इकट्ठे करता हूँ और उनको गहराई से पढ़ता हूँ, फिर देखकर अपने मन से सोचता हूँ और फिर जो मेरी समझ में आता है आगम के अनुसार वो लिखता हूँ। तो मैं उस वक्त भी सब किताबें देखी तो उनमें क्या लिखा था प्रमोद भाई, हे शेर तू तो इतना महाभगवान महावीर का जीव है, तू तो भविष्य में महावीर होने वाला है और तेरी आज क्या दुर्दशा हो रही है, ऐसे पूरा भव प्रभव सुनाए, तू अपने आत्मा का कल्याण कर, तू सम्मा दर्शन को प्राप्त कर, ये बातें लिखी थी। तो मैंने कहा कि भाई ये सम्मा दर्शन की प्राप्ति के लिए देशना लब्धि ये तो नहीं है, समझना मेरी बात, समझ सका जी, इससे तो सम्मा दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, उसे कैसे हो गई शेर को, कैसा वो तुम्हारे आत्मा की गहरी गहरी बातें जिनसे सम्मा दर्शन की प्राप्ति होती है उनको समझाएंगे तो वो शेर समझेगा नहीं, समझेगा नहीं तो सम्मा दर्शन भी नहीं होगा, क्योंकि सम्मा दर्शन तो उस आत्मा परमात्मा के समझने से होता है। और ये समझेगा कि तू तीर्थंकर होने वाला है, वो शेर समझता होगा तीर्थंकर क्या होते हैं, हमें तो बालबोध पाठमालाओं में पढ़ाना पड़ता है आपको कि तीर्थंकर किसे कहते हैं, अरे उसके लिए तो तीर्थंकर क्या है ये भी उतना ही सूक्ष्म है जितना ये भगवान आत्मा सूक्ष्म है। मेरे जो समझ में आया मैंने लिख दिया और लिखने के बाद किताब प्रेस में छप रही थी, जल्दी छपनी थी क्योंकि महावीर निर्वाण वर्ष का वो जुलूस था ना, वो निकलना था, भाऊ भाई ने यात्रा संघ निकाला था तो वो यात्रा संघ में वो किताब जानी थी, तो रात के 2 बजे मशीन पे चढ़ी थी और मेरी समझ में आया कि ये बात सही नहीं है, तो रात के 2 बजे जाके प्रेस में मैं गया, मशीन पे से किताब उतरवाई और उनने कहा कि अब मुझे इसमें कुछ लिखना है और कुछ काटना भी है। और मशीन पे से उतार कर मैंने 4 पेज लिखे थे, वो 4 पेज उस किताब में आज भी हैं, आप देख सकते हैं। मैंने ये सोचा सम्यक दर्शन की प्राप्ति जिस बात को समझने से होती है वो बात लिखनी चाहिए, ये विकल्प छोड़ देना चाहिए क्या कि ये सरल है कि कठिन है, कि समझ में आएगी कि नहीं आएगी। अरे जो पात्र जीव है जिसे सम्मा दर्शन होना है, जिसके उपादान में योग्यता आ गई है, उसे आत्मा समझ में नहीं आएगा, आत्मा को आत्मा समझ में नहीं आएगा। तो मैंने फिर उसमें आत्मा की बात की।